रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एमएस वर्ड में आज हमने लास्ट क्लास में आपके साथ पढ़ा था टेबल्स के बारे में, पढ़ा था टेबल्स कैसे यूज किया जाता है। आज आपके साथ हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, एक मैं करूंगा एक आपको करना है। तो आपके सामने एक मैंने बिल डाउनलोड किया है, इंटरनेट से ही लिया है, मुझे इस बिल को अपने एमएस वर्ड के अंदर बनाना है। इस बिल को एमएस वर्ड के अंदर बनाना, ठीक है? ओके तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करें, ठीक है? ओके तो स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले ड्रॉ टेबल लिया, और यहां से हमने नीचे तक ये पूरा एक लाइन डिजाइन कर, ठीक है? हाँ, ठीक है। एक बार क्लिक कर देते हैं, और ये जो है थोड़ा सा मोटा है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टेबल डिजाइन हो गया, इसमें हम बॉर्डर लेते हैं, बॉर्डर की साइज थोड़ा सा ए वाली मोटा वाला लेते हैं। यहाँ पे करते हैं, यहाँ इस तरह से दिख रहा है? यस सर। और नीचे तो ये मोटा डिजाइन हमारा, राइट सर? फिर यहाँ हम इंसर्ट में आते हैं, फिर हम यहाँ से ड्रॉ टेबल लेते हैं। ड्रॉ टेबल में यहाँ हमने लाइन, एक मिनट, जब ले रहा हूं तो सॉरी एक मिनट, ऐसे दिक्कत हो रही है तो हम इसको हटाते हैं, कट करते हैं। हेलो जी। यस सर। नहीं सर, माफी चाहूंगा, मैं तो क्लास में बोलूँगा। तो ये डिजाइन हम कर लेते हैं पहले, ठीक है? और इसको जो है लंबा थोड़ा सा बड़ा खींच लेते हैं पूरा पेज पे। हालांकि ये सब की चीजें वो एक्सेल पे बड़ा आसानी से हो जाता है। अच्छा, एक्सेल पे, इसलिए मैं एक्सेल को प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक्सेल में ये चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ से बॉर्डर दिया, यहाँ पे गए बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर ले ली नीचे तक, ठीक है? यस सर। उसके बाद हम जो है थोड़ा छोटा एक मर्ज कर देंगे, हाँ, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मर्ज सेल कर दिया, तो सेल मर्ज हो गया। इसको भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम मर्ज सेल कर देते हैं, ठीक है? ओके, मर्ज हो गया। उसके बाद इसको यहां से लेते हैं और ऊपर तक जाते हैं,
और अब ऊपर से हम जो है ना अपना बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ जीएसटी नंबर देना है, जीएसटी आई एन डॉट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टेट कोड, स्टेट कोड, और बेसिकली ये बॉक्स में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? बॉक्स बॉक्स। में तो यहाँ हम एक मिनट, ड्रॉ टेबल पे आते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये तो अजीब हो गया क्या, हाँ, बॉर्डर की बॉर्डर की वजह वजह से। से? हाँ, बॉर्डर की वजह से नहीं। एक मिनट, तो इसके एक और तरीका है इसको सही करने में। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम अब यहाँ पे जो हम लेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल, टेबल में हम यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। ठीक है। इसको राइट सेलेक्ट करके, राइट क्लिक हम कर देते हैं मर्ज से, ठीक है। सर एक सेकेंड, बस मुझे जरा एक सेकेंड दिए, मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे हम आते हैं, यस यस, सर। ओके। अब इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दूँ, लेकिन बॉर्डर की साइज पतला करता हूँ। ओके सर, अब यस यहाँ पे GSTIN, और यहाँ पे सेमी कॉलन, और यहाँ पे हमने दिया स्टेट, अच्छा इस सर, अगर हम लोगों ने मतलब कि पहले से ये लिख पहले लिया है से लिख GSTIN, लिया फिर स्टेट कोड, फिर है, उसके उसके बाद बाद में में अगर अगर अपने अपने को को टेबल टेबल बनाना बनाना है है, तो फिर फिर वैसे वैसे ही ही क्यों नहीं कर सकते हम लोग दिक्कत इसको? होगी ना। फिर मतलब आप टेबल भी उसी हिसाब से बनाएंगे ना, जिस हिसाब से आपको ये चाहिए। और अगर अगर पहले पहले दिमाग में दिमाग नहीं में आया है कि नहीं टेबल आया तो बनाना दिक्कत है हो जाएगी फिर आपको। जैसे फिर। मैं अभी, मुझे नहीं दिमाग में आया कि मुझे आके 2 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है ना, तो दिक्कत होगी ना सर स्टेट कोड के लिए। अब इसको सेलेक्ट करके मुझे यहाँ, जैसे ये हुआ, तो इसको सेलेक्ट करके मुझे नो बॉर्डर करना है। देखिए, नो बॉर्डर हो गया सर। हाँ अब इसको मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, अब सही है, ठीक है। यहाँ आपका स्टेट कोड मान लीजिए 2 हो जाएगा, यहाँ स्टेट कोड 3 हो जाएगा। अब प्रिंट आउट जब निकलेगा, तो प्रिंट आउट में जो आपकी जो डॉट लाइनिंग है ना, वो नहीं दिखेगी, दिख रही है सर? अच्छा नहीं यहाँ डॉट लाइन दिख रही है, वहाँ डॉट लाइन नहीं दिखेगी।
अब मुझे यहाँ पे कैश मोमो लिखना है, कैसे लिखे? तो हमारे इंसर्ट में ही हमारे पास सेप्स होता है, सेप्स में हमारे पास होता है टेक्स्ट बॉक्स। अब जहाँ टेक्स्ट बॉक्स जहाँ रखना चाहते हो वहां लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया कैश स्लैश क्रेडिट इनवॉइस, ठीक है। और इसको था छोटा कर देते, और इसको हम यहां से अपना कलर दे सकते हैं, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर दे सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा भी करना है तो बड़ा कर सकते हैं, और टेक्स्ट को यहां से बड़ा कर सकते हैं, कि थोड़ा सा वॉइस का बड़ा होना चाहिए, ठीक है? ठीक, समझ गए? यस सर। यस। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे हम एक इंसर्ट करते हैं एक और टेबल। टेबल में मुझे तीन रो होनी चाहिए, एक दो तीन, तीन रो। इसको उठा के फिर वापस हम रख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसको। और अच्छा, ये टेबल इसके साथ जुड़ गया। अच्छा, तो इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल करते हैं, तब क्या होता है? ड्रॉ मुझे यहाँ चाहिए, हाँ, ड्रॉ टेबल आसानी से हमारा हो गया। इसमें हमें एक दो हो गया दो, और इसको यहां से आसानी से हम ज्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा है छोटा, ठीक है ना? ठीक है, छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। तो यहां से हम कट करते हैं। अगर ऐसी दिक्कत हो तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स सारा। जब आपको लग रहा है कि टेबल से काम नहीं चल रहा है, तो हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है। बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिया पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स को हम अपने हिसाब से जितना मर्जी उतना छोटा कर सकते छोटा हैं, बड़ा कर सकते। ठीक है सर? ओके okay। अब बोलेंगे सर टेबल जैसी लाइनिंग तो नहीं है इसमें, हाँ तो लाइनिंग के लिए अब यहां इंसर्ट में हमारे पास सेप्स होते हैं, इरा लाइन हो गया। हाँ अब यहां पे हम जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे टाइप दिया, टैब देने के बाद लिखा ओरिजिनल, सॉरी इसकी साइज जो बड़ा है साइज को छोटा करना होगा, ओरिजिनल छोटा हो गया। ओरिजिनल व्हाइट है, और बेसिकली क्या है कि जो आप देखते हैं बना हुआ, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड पे ही बना हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वो लोग करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि कोरल ड्रॉ होता है, यहाँ पे हमें फ्रीडम होती है बहुत सारे, जैसे यहाँ है ना आपका, यहाँ फ्रीडम नहीं है, वहाँ फ्रीडम होता है, बहुत सारे केसेस में आपकी फ्रीडम होती है।
ये हमारा बराबर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद यहाँ एक और हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ये तो सर्कल ले लेते हैं सर्च, टेक्स्ट बॉक्स जहां पे डेट डेटा टाइम देता, उसके बाद यहाँ हम कर्सर रखते नेम एंड एड्रेस। अब यहाँ एक इंसर्ट करके हम आते हैं अपना ड्रॉ टेबल। अच्छा, ड्रॉ टेबल में वर्टिकल लाइन को खींचने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, पर आराम से मैं खींच सकता, ठीक है। मगर वो राइट लेफ्ट हो जाती हाँ, है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ आपका इन वाइस नंबर, एक और डेट, और यहाँ पे ठीक है। ठीक और यहाँ यहाँ डबल दो बार क्लिक करने कर्सर यहाँ आ जाता है GST IN, और अब यहाँ मुझे डॉट डॉट देना है, इस तरह से डॉट लाइन चाहिए, डॉट लाइन दे दो बस, अच्छा ठीक है। अब यहाँ मुझे स्टेट कोड चाहिए, यहाँ पे डबल क्लिक किया, मुझे क्या चाहिए, स्टेट कोड। स्टेट कोड में हमें यहाँ दो बॉक्स चाहिए, और ये चीज मैंने उठा, सॉरी बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ राइट सर, अब यहाँ नीचे आते हैं, नीचे में ये हमारा जो है, अब ये जो लाइनिंग दिख रही है मुझे ये लाइनिंग नहीं चाहिए, तो आपके यहाँ टेबल में इरेज टेबल भी होता है, लेआउट इरेजर। तो हम यहाँ आते हैं, इरेजर से इसको इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। और यहां भी हम नीचे तक इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, एच कोड हो जाएगा, और ये जो आ रही है ये भी यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद पेंडिंग के लिए इसको भी हम हटा देते हैं, उसके बाद जो है हमारा टोटल क्वांटिटी है इसमें आएगा, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं, उसके बाद रेट यहाँ आएगा तो रेट ही यहाँ डाल देते हैं। रेट के बाद यहाँ पे अमाउंट है, ठीक कर दिया। अब ऊपर का अब सही करता हूँ, अब बाहर फिर डबल क्लिक कर देता हूँ, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है, इसमें जब टाइप करते हैं ना, तो यहाँ हमें डालते हैं डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस एंड उसके
उसके बाद इसमें हमारा आता है उसका कोड, HSN कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा पैकेज, उसके बाद यहाँ आ जाएगा टोटल, उसके बाद यहाँ आ जाएगा रेट। अच्छा, रेट में हमें पैसे के लिए एक अलग से कॉलम बना है, वो हम बना लेंगे। और यहाँ अमाउंट, अमाउंट के पीछे ये हम बना लेंगे। अब उसके बाद ये जो लाइनिंग है हमारा, तो हम वापस ड्रॉ टेबल में आए, वापस हम आते हैं ड्रॉ टेबल, और यहाँ पीछे पीछे एक लाइन हम लिखते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। उसके बाद हमें रेट में छोटा, यहाँ पे लाइन चाहिए, और अमाउंट पे मेरे पास लाइन है ही, तो इसी लाइन को यहाँ लगा है। उसके बाद मुझे यहाँ एक और इंसर्ट में एक और ड्रॉ टेबल चाहिए हमें, यहाँ टोटल पे, ठीक है, ये टोटल आ गए। उसके बाद मुझे इन सब यहाँ पे जो राइट क्लिक का मर्ज नहीं, तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो मुझे वापस लेआउट में इरेजर लेना होगा और ये डिलीट करना होगा, मुझे इसको डिलीट करना होगा, इसको डिलीट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देना होगा इंटरफेस के इन वॉइस वैल्यू इन वर्ड्स RS, और यहाँ हमें अंडरलाइन देना है, इस तरह से अंडरस्कोर कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड में अंडरस्कोर का ऑप्शन होता है, हम उस अंडरस्कोर को दबा रहे हैं। उसके बाद मुझे बैंक डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे बैंक डिटेल के लिए रख देता हूँ, बैंक डिटेल्स, और यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। हाँ, मुझे यहाँ पे जो है कुछ, यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ मुझे कुछ टाइप करना है, यहाँ पे ऐड सी सेंट्रल GST, और इसके लिए मुझे एक चीज और करना है, हमें इंसर्ट जाना है और टेबल में ड्रॉ टेबल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा GST, सेंट्रल GST, ये हो जाएगा हमारा स्टेट GST, यहाँ हो जाएगा हमारा IGST, ये अदर का हो जाएगा, ये हमारे हो जाएगी इनवॉइस, ठीक है। बाहर हम इसको हटाते हैं, वापस इरेजर से मुझे ये सब इरेज करना है, ऐसा नहीं चाहिए, बाकी सब खाली इरेजर ही का काम होगा। हाँ, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो है ए है उसको बड़ा छोटा हो गया है, उसको बड़ा सही कर देंगे, ठीक है। ठीक है।
अच्छा ये मैंने यहाँ इसको तो इरेज कर दिया, तो डेटा था, तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने बोलते हैं कि आपको इनवाइस वैल्यू इन वार, इसलिए हमने आपको बोला था पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद जो टाइपिंग करना टाइपिंग करेंगे, क्योंकि तो जैसे आप वो चेंज करोगे ना वो आपकी वैल्यू को अच्छा रिमूव करने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ इंसर्ट, जैसे आपने देखा कैसे इसने इंसर्ट कर रिमूव कर दिया मेरे टेक्स्ट बॉक्स को, इंसर्ट यहाँ से हमने इसको ले लिया बैक, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड हो गया। अब यहाँ अपने जो है IGST GST वगैरह लिख देते हैं, टोटल अमाउंट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर्स वगैरह दे सकते हैं आप, यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा और था बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको। अभी बॉर्डर यस मोटा नहीं है तो यहाँ पे टेबल डिजाइन में यहाँ से 3 फीट वाला जो मोटा बॉर्डर था उसको लीजिए और यहाँ इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है सर। ओके सर। अब इसको प्रिंट करके देखिए, कुछ सिमिलर लगेगा कि हाँ ये हमारा इनवाइस है, ठीक है। यस यस सर। तो आप भी कुछ इसी तरह की इनवाइस बना के